तो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो आज जो है ये आप दिख पा रहे होंगे परानी का ब्लूटूथ, इसका आज रिव्यू मैं बोलने वाला हूँ। उस वीडियो में आपको मैंने बोला था कि ये जो वीडियो है मैं एक स्पेशल वीडियो करने वाला हूँ इसके ऊपर। तो ये जो है परानी का ब्लूटूथ है, ये हेलमेट के लिए है, ये इंटर कम्युनिकेशन के लिए है, ये जो है आपको म्यूजिक का आनंद देता है और उसके साथ भी कॉल करने का आनंद देता है। बहुत ही अच्छा है, म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और ये जो है वाटरप्रूफ है, इस पर तो कोई आईपी टेस्टिंग नहीं हुआ है तभी भी ये वाटरप्रूफ है। मैं जो हूँ भुवनेश्वर से, मेरा जो घर है भद्रक, वो है शायद 120 किलोमीटर। बहुत ही जोर जो है बारिश हो रहा था, वहाँ पर भी मैं इसको लगा कर आया हूँ और ये जो है पूरा ठीक है। अभी चलिए इसका जो है रिव्यू डालते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखते हैं वो ब्लूटूथ कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या फीचर्स है। चलिए अभी इसको खोल लेते हैं। तो ये आप दिख पा रहे होंगे, ये जो है ब्लूटूथ है। इसका जो प्राइस है वो है 6500। इसका जो रियल प्राइस है 6500। आप अगर कहीं पे डिस्काउंट पे ला सकते हो या 200-300 रुपया डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि कोई 6000 देता है, कोई 6200 में देता है, कोई 6400 में देता है। आप जहां से डिस्काउंट में ला सकते हो लाओ, ठीक है। ये हर ये इंटरनेट में अवेलेबल है। गियर्स आपके एरिया में कोई गियर्स का शॉप है वहाँ पे भी शायद अवेलेबल होगा, वहाँ से आप जो है डिस्काउंट पे ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये उसका डिवाइस है, ये देखिए आप, ये जो है इसका उसका डिवाइस है, ये जो है ब्लूटूथ है। और ये बैटरी बैकअप बहुत ही मस्त देता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार मैंने इसको फुल चार्ज किया था, शायद मैंने मोर देन 30 आवर्स सुना हूँ, ठीक है। पर ये तभी भी चल रहा था, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही मस्त है। म्यूजिक क्वालिटी उस लेवल में तो नहीं है, जैसे कि मैं जो हूँ एयरपॉड्स यूज करता हूँ, एयरपॉड्स प्रो, तो उसके लेवल में ये तो साउंड क्वालिटी, क्योंकि वो जो एयरपॉड्स प्रो है वो ही 25000 का है, तो ये तो 6500 का है। इसमें भी इंटर कम्युनिकेशन है, इंटर कनेक्ट आप कर सकते हो, तभी भी जो म्यूजिक क्वालिटी है वो भी मस्त है। और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं, ये है। और इसके अंदर जो है इसको चार्ज करने के लिए इसका केबल है, ये जो है ये एक USB टाइप चार्जर है, ये इसको आप निकालो यहाँ से। और ये जो है ये बारिश में इसके अंदर जो है पानी ना जाए, तो इसलिए इन लोग ने ये जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है बहुत ही अच्छा है, पानी नहीं जाता है अंदर। ये जो है यहाँ पर आप डाल दो, ये ऐसा डाल दो यार, ये USB टाइप है, कहीं से भी आप चार्ज कर सकते हो, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, 2-3 घंटा में हो जाएगा। और इसके अंदर जो है ये जो है कुछ मैनुअल्स है, ये है मैनुअल, इसको कोई नहीं पढ़ता है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। इसको रखते हैं इसके अंदर, इसको साइड करते हैं, अभी आते हैं इसके ऊपर। ये जो है ये माइक के लिए है, यहाँ पर जो माइक रहता है उसके लिए है ये। और ये जो है हेलमेट के लिए, ये हेलमेट में लगता है और ये जो ब्लूटूथ है उसमें सेट होता है। तो मैं अभी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो जो है हेलमेट में मैंने सेट कर लिया, बाहर निकल लिया था इसको आपको दिखाने के लिए। तो अभी जो है मैं हेलमेट के साथ इसको फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये जो है यहाँ पर लगता है, ये आप दिख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये फिट होता है। चलिए इसको फिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने जो आपको दिखाया ये वाला, ये यहाँ पर फिट होता है, जैसे कि ये आप लगा सकते हो यहाँ पर, नहीं तो ये एक सेटिंग देता है, या आप यहाँ पर घुसा दो, ये जो है ये घुस गया है, बहुत ही टाइट है, नहीं ये मीन्स ये किसी वक्त निकलेगा नहीं। ये जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा खासा जो है सेटिंग है। तो ये जो है यहाँ पर लग गया, आप लोग दिख पा रहे होंगे, ये तो लग गया। तो यहाँ से जो है इसका जो केबल आया है, ये आप दिख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर जाता है। और इसका जो डेप्थ है वो बहुत है, अगर जोर में भी बारिश होता है कुछ नहीं होगा, ये इसके अंदर जो है पानी नहीं जाएगा। तो इसको ये जैसा है ये आपने सेट कर लिया। और इसका जो अंदर वाला पोर्शन है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है अंदर वाला पोर्शन, ये अंदर। और ये जो है उसका अंदर वाला पोर्शन ये आप देख सकते होंगे, ये है स्पीकर, और यहां से गया है ये है माइक, ये जो है माइक है, ये आप माइक दिख पा रहे होंगे, यहां से आया है, ये है माइक और ये है उसका स्पीकर। दूसरे साइड में भी है, ये है दूसरे साइड में भी है, ये है एक स्पीकर, ये है। तो यहाँ पर जो है ये आप सेट कर लीजिए बस। और इसको जो है मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जो है ऐसा ऑन होता है, देखिए ये। Hello.
तो ये जो है कनेक्ट हो गया अभी, तो ये जो है ये तो आपने देख लिया कि ये जो है कनेक्ट हो गया, ये ऐसे होता है। आंसर के लिए आप क्या करेंगे, इसको जो है एक बार प्रेस कर लीजिए ऐसे ऐसे, अगर कोई कॉल आता है ये इसको आप ऐसे इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए, और ये जो है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, अगर आप ऐसे करेंगे ये आप दिख पा रहे होंगे, ये है ये जैसे कि बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ये वॉल्यूम डाउन है ठीक है। ये आप ऐसे अगर एक बार इन दोनों को ऐसे दोनों को एक टाइम में ही प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो गया, गुड बाय बोल रहा है। अगर आप इसको जो है 2 सेकंड ऐसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो है ऑन हो जाता है ठीक है। तो ऐसा ही है इसका फीचर्स, और ये बहुत इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे कि आप बहुत अच्छे से इसको ढूंढ पाते हैं, बहुत ही मस्त है, बहुत ही फ्रेंडली है। अगर आप खरीदना चाहते हो खरीद लो। तो अगर आपको परानिका खरीदना है, नहीं तो परानी के बाद भी कुछ आता है, जैसे कि ये तो 6500 में है, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे, मैं जब गया था वहां पर लेने के लिए ब्लूटूथ, तो उन्होंने मुझे 12000-14000 का भी दिखाया, क्योंकि मेरे पास एक एयरपोर्ट्स प्रो है वो ही 25000 का है, और मैं जो हूँ मैं सोलो राइड करने वाला हूँ ज़्यादातर, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका म्यूजिक क्वालिटी मस्त है, और ब्लूटूथ लेने में जो हमको एडवांटेज मिलता है, हम लोग जो है डिस्टर्बिंग नहीं होता, क्योंकि डिस्टर्बेंस की वजह से ही जो सारा इंसिडेंट होता है, सारा एक्सीडेंट होता है। अगर आप ये ले लेंगे कुछ टेंशन नहीं है, अगर कॉल आ गया यहाँ पर आप प्रेस कर लो, कॉल ले लो, म्यूजिक सुना है यहाँ पर म्यूजिक सुनो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जैसे कि आप दिख पा रहे होंगे, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पौरानी M10 बूम मोटरसाइकिल ब्लूटूथ ठीक है, हेलमेट के लिए है। तो इसका जो प्राइस है वो है 6500, अगर आप डिस्काउंट में ला सकते हो डिस्काउंट में लाओ, चेक करके अच्छे से। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना, रुकिए, जय महाकाल, जय महाकाली, जय दुर्गे, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ठोक दीजिए आप, इतना हो जाना चाहिए, और लाइक का जो बटन है वो भी ठोक दीजिए।